हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ नवरात्रि स्पेशल सूखे नारियल के लड्डू, इसको खोबरा भी बोला जाता है। इसके साथ मैं डालने वाली हूँ मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली, और बनाने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लड्डू। व्रत के टाइम ये लड्डू जैसे कि खाने में इतना टेस्टी है, वैसे ये बहुत ही एनर्जी देता है, बहुत ही एनर्जेटिक होता है। तो चलिए देर न करके फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनाया जाता है। ये हमने 250 ग्राम खोबरा लिया है, ये सूखे नारियल है, इसको अच्छे से धो लिया है पहले, और इसका जो पीछे का काला हिस्सा है ये हमने निकाला नहीं, निकालने वाले भी नहीं है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम घिस लेते हैं। ये देखिए मैंने बारीक वाला ग्रेटर लिया है, इसके मदद से हम खोबरे को घिस लेंगे, ग्रेट कर लेंगे। देखिए सारा ग्रेट करने के बाद ये जो रह जाता है अंदर का थोड़ा, ये हम फेंकेंगे नहीं, ये टुकड़े टुकड़े करके डाल देंगे, छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे। देखिए ऐसा करके डालना है, ये देखिए। और मैंने जो ग्रेटर लिया है ये बहुत ही बारीक वाला ग्रेटर है, बारीक हो तो ही अच्छा होता है, मतलब कि लड्डू का टेक्सचर भी अच्छा आता है और बांधने में भी आसानी होती है, तो कोशिश करें कि बहुत ही बारीक वाला ले। यहाँ मैंने कढ़ाई में मूंगफली डाल दिया, हीट ऑलरेडी ऑन किया हुआ था। मूंगफली को रोस्ट कर लेना है जब तक कि ये अच्छे से स्प्लिट होना शुरू हो जाए और काला काला सा स्पॉट दिखने लगे। देखिए तैयार हो चुका है, इसको निकाल के रख देंगे साइड में और हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे थोड़ा सा पानी। आधा कप जितना पानी डाला है मैंने, इसके अंदर मैं एक कप जितना गुड़ डालूंगी। गुड़ को मैंने पहले से ही काट के रखा था, मतलब कि काट काट के टुकड़े टुकड़े करके रखा था, ये देखिए एक कप जितना है डाल देंगे। और इसके साथ साथ डालेंगे आधा कप जितना शक्कर। देखिए शक्कर मैंने लिया है, एक कप गुड़ लिया और आधा कप शक्कर लिया, आप चाहे तो पूरा शक्कर भी डाल सकते हैं और पूरा गुड़ भी डाल सकते हैं। पूरा शक्कर डालने के लिए क्या करना है कि शक्कर को पानी में पहले पकाना है, शक्कर को पानी में गला कर फिर पानी सुखाना है, उसके बाद फिर उसमें आप खोबरा डाल सकते हैं, खोबरा और मूंगफली जो भी है। यहाँ मैंने देखिए तीन इलायची लिया है, फोड़ कर डाल देंगे, आप चाहे तो आधी छोटी चम्मच जितनी इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। जितना पानी डाला था पानी को पहले सूखने देते हैं, उसके बाद हम ये खोबरा डाल देंगे, घिसा हुआ डाल देंगे पूरा और मिला लेंगे, गुड़ के साथ अच्छे से मिलाना है। देखिए मिल चुका है। अब हम ये जो मूंगफली रोस्ट करके रखा था इसका छिलका निकाल के और दो हिस्से में ऐसे तोड़ तोड़ के रखा है मैंने, ये डाल देंगे। आप चाहे तो इसको और थोड़ा क्रश करके भी डाल सकते हैं, कूट ले उसके बाद डाल दे और थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है, मुँह में आता है ऐसा तो अच्छा लगता है। आपको जैसा पसंद है आप ऐसे डालें। अच्छे से मिला लेते हैं, दो से तीन मिनट तक आपको चलाना पड़ेगा, तभी आपको समझ आ जाएगा चम्मच में कि मिश्रण काफ़ी टाइट हो चुका है। ज़्यादा टाइट बिल्कुल मत करना, तो लड्डू बनने के बाद मतलब ठंडा होने के बाद बहुत ही कड़क हो जाएगा, तो थोड़ा नरम नरम सही रहे लेकिन चम्मच में थोड़ा सा टाइट लगे तभी आपको निकाल लेना है। मैं कढ़ाई से निकाल के दूसरी बर्तन में नहीं रखा है, आप चाहे तो दूसरी बर्तन में निकाल के रख सकते हैं, मैंने ऐसे ही रखा है। हल्का सा ठंडा हो चुका है, अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। हल्का गर्म रहते रहते ही बनाना शुरू करना है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा तो बनाने में मुश्किल हो जाता है, बांधने में तकलीफ़ होती है। देखिए मेरा एक लड्डू बन गया है, बहुत ही अच्छा लड्डू बना है। ऐसा करके हाथ के मुट्ठी में दबा दबा के अच्छा सा साइज़ देकर शेप देकर आपको लड्डू बना लेना है, गोल गोल करके। आप चाहे तो डाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे भी करें लड्डू तो खाना ही है। देखिए मैं तो सारा गोल गोल कर रही हूँ, देखिए दिखने में भी अच्छा लग रहा है और अच्छे से बन चुका भी है। ऐसे करके मैं सारे लड्डू बना लूँगी, देखिए मैंने सारा बना लिया है, ये मेरा लास्ट का है, ये देखिए बहुत ही अच्छे लड्डू बने हैं दोस्तों, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही एनर्जेटिक है। आप व्रत के टाइम खाएंगे ना, व्रत के तकलीफ भूल जाएंगे। आप भी इस तरह से सूखे नारियल और मूंगफली के लड्डू बनाकर व्रत के टाइम खाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहे, स्वस्थ रहे और खाते रहे, नवरात्रि एंजॉय करें। बाय बाय।